टू माई चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। वाओ के प्रोडक्ट्स कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, खुद के प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वाओ का ये ब्लैक सीड स्किन मिस्ट टोनर। स्किन मिस्ट जो है और टोनर है ये रेड ऑनियन का है, लेकिन इसमें ऑनियन के स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। छोटू सी बॉटल है, छोटू सी है, पॉकेट फ्रेंडली है, बैग में आ सकती है। लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एफिलिएट लिंक्स जो है। टू हेल्प रिवाइव डल एंड ड्राई स्किन इन्फ्यूज्ड विद रेड ऑनियन सीड विच हैजल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स ब्लैक सीड ऑयल, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, तो ये सब चीज़ें हैं। सूट्स ऑल हेयर टाइप्स, और हेयर टाइप्स लिखा हुआ है, और डल एंड ड्राई स्किन के लिए है। चलिए लिखा तो यही है, लेकिन वैसे स्किन मिस्ट है ऊपर लिखा हुआ, और स्किन टाइप्स भी है, और स्किन मिस्ट है ब्लैक सीड ऑयल स्किन मिस्ट टोनर है, जो कि आपके डल और ड्राई स्किन को रिवाइव करता है। इसके बाद जो है इसका जो है सबसे पहले आपको बता दें, स्प्रे द मिस्ट टोनर ऑन योर क्लीन स्किन, डैब योर फेस लाइटली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस बॉटल में सब लिखने के बाद नीचे सूट्स ऑल हेयर टाइप्स लिखा है, स्किन टाइप्स होना चाहिए था, ये इसका ब्लेंडर है। तो प्रोडक्ट अच्छा है, एक लाइन पर मत जाइए, प्रोडक्ट अच्छा है, लिंक्स मिल जाएंगे आपको। सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है ये वाओ का नेचुरल कुपरा फाइबर का फेस लिफ्टिंग शीट मास्क। काफ़ी अच्छा शीट मास्क है, और यूज़ अभी मैंने नहीं किया है, बहुत पहले इसका एक दूसरा ये फेस मास्क मैंने ये शीट जो है वो यूज़ किया था, तो वाओ के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है, इसलिए मैं पर्सनली इसको जब यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी भी, यूज़ करके शॉर्ट्स बना दूँगी, ऐसे मुँह पर लगा के डर मत जाइएगा। अब चलते हैं थर्ड प्रोडक्ट्स की बात, जो कि मेरा शो स्टॉपर प्रोडक्ट है, वाओ का सनस्क्रीन फेस सीरम मैट फिनिश। बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिश है, पोर्स को ये थोड़ा सा ब्लर करता है, कंट्रोल भी करता है, और इसके बाद सनस्क्रीन का SPF 35 है। इस समय SPF 35 सफिशियंट है, जब 40 से ऊपर डिग्री हो जाएगा तो SPF 50 आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टिप्स भी मैं दे देती हूँ, इस समय SPF 35 प्लस बहुत सूट करेगा, क्योंकि इस समय धूप जो है इतनी तेज़ उसमें नहीं है, है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन SPF के बिना मत निकलिएगा, ये ना सोचिएगा इतनी तेज़ नहीं बता रही है बनर्जी दी तो बिना SPF के निकल जाए, SPF 35 सफिशियंट इस समय। चलिए इसको निकालते हैं, ये इस तरह से है, इसका जो कैप है वो इस तरह से है, इसको ये ऐसे है, उसके बाद जो है इस तरह से उंगलियों में निकालिएगा, तो दो पंप, दो उंगली फिंगर, टू फिंगर वाला रूल अपना लीजिएगा, सबसे बेस्ट है इस समय। और 50 जब SPF एकदम 40 डिग्री से ऊपर बिल्कुल प्रचंड गर्मी आ जाए तो थ्री फिंगर रूल करिएगा, ये एक फिंगर, ये मैंने थोड़ा सा आपको लेके दिखा रहे हैं क्योंकि शाम के समय का मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये आपको दो उंगली भर के लेनी है, और इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से आपको SPF अपना वियर कर लेना है। देखिए कहीं छूटा तो नहीं है, आंखों के ऊपर भी अगर मेकअप नहीं है तो पहले कर लीजिएगा फिर मेकअप करिएगा, मैंने लाइनर लगाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाईली रिकमेंड है, आप ले सकते हैं, और वाओ के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ पर्सनली करती हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, मुझे ये सारे ही प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी अच्छे आए हैं। अब चलिए सनस्क्रीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अप्लाई अ पी साइज अमाउंट ऑफ सीरम ऑन योर क्लीन फेस एंड नेक, डैब एंड प्रेस इट इनटू योर स्किन, डैब करके आपको लगाना है, पी साइज मटर के दाने के बराबर लेने को कहा है, लेकिन टू फिंगर रूल जरूर अपनाइएगा, ये मेरा पर्सनल आपको टिप्स है, मैं टू फिंगर रूल अपनाती हूँ, और जैसे ही मई जून की गर्मी आ जाएगी और मुझे मेरा थ्री फिंगर रूल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी जरा सा लापरवाही की और सन डैमेज स्किन हो जाती है।
इसके बाद इसमें क्री इनग्रेडिएंट्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नाम जो है आप लेंगे तो पढ़ लेंगे। वी रिकमेंड अ पैच टेस्ट बिफोर फर्स्ट यूज़, जो कि आप सबको पता है। नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स का एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है किसी किसी को, बहुत कम, 100 में से 10। डू दिस फॉर अ मिनट टू अलाउ द सीरम टू गेट सोक्ड इनटू द स्किन, एक मिनट तक लगा रहने दीजिएगा पैच टेस्ट में, उसके बाद ही इसको फेस पे लगाइएगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है फॉर डेली ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी एंड यूवीबी प्रोटेक्शन, मीडियम कवरेज। प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके देखिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बनर्जी दी को याद रखिएगा, लव यू ऑल।